हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सभी की चैनल व्लॉग चैनल में। और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। तो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हो? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज डेट है 1 तारीख, मतलब 1 अक्टूबर, और अभी टाइम हो रहा है 2:00 PM। और हमने लंच वगैरह कर लिए हैं और अभी जस्ट लंच करके सोचा आप लोगों से कुछ बातें कर लूँ। तो आज मैंने लंच में बनाया था जिमीकंद की सब्जी खट्टी वाली, जिसे आप लोगों से शेयर करूंगी। और आप लोग क्या बनाए हैं आज लंच में कमेंट्स करके जरूर बताना। और आज मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और कोरोना की वजह से हम कहीं बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं और बच्ची घर में बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो हो सके तो आज शाम को हम लोग कहीं आस पास घूमने के लिए जाएंगे। अगर जाएंगे तो उसका व्लॉग आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी। आज मैं बनाने जा रही हूँ जिमीकंद की दही वाली खट्टी सब्जी। तो देखिए कितना बढ़िया बनकर रेडी हुआ है, कितनी यमी और टेस्टी लग रहा है देखने में। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया है जिमीकंद, जिसे उबाल के 1 घंटे के लिए धूप में सुखा के रख दिया था। अब साथ ही साथ मैं यहाँ पे लूँगी प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, टमाटर और करी पत्ता। उसके बाद ले लूँगी मैं दही। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दी थी। अब इसमें मैं डालूंगी तेल। तेल के गर्म होने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी जिमीकंद को। इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के इसको फ्राई कर लेंगे। इसको मैं हल्का ब्राउन होने तक डालूंगी, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो देखिए अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसका कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसको निकाल लूंगी प्लेट में। अब इसको भी मैं इसी तरह फ्राई कर लूंगी। तो देखिए ये भी अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसको भी मैं अब निकाल लूंगी। तो तेल यहाँ पे ज्यादा था तो उसको मैं थोड़ा सा निकाल ली हूँ। और अब उसी तेल में मैं डालूंगी इसमें जीरा, लहसुन, उसके बाद हरी मिर्च डालूंगी, उसके बाद साथ ही साथ डालूंगी मैं इसमें प्याज और करी पत्ता। अब यहाँ पे मैं प्याज को हल्का ब्राउन होने तक इसको भून लूंगी, ढक लेती हूँ। तो देखिए हल्का ब्राउन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे डालूंगी टमाटर। इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसके बाद इसमें डालूंगी मैं नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। अब इन सब मसालों को अच्छे से मैं भून लूंगी। जब तक टमाटर अच्छे से ना गले तब तक इसको इसी तरह पकाते जाऊंगी। तो मैं इसको ढक लेती हूँ। थोड़ी देर बाद आपको दिखाते हैं। देखिए टमाटर अच्छे से गल चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी, दही को। अच्छे से मिक्स कर लूंगी। देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है देखने में, बहुत ही टेस्टी और यमी लग रहा है। तो इसके एक उबाल आने का वेट करते हैं। देखिए उबाल आ चुका है। अब मैं साथ ही साथ इसमें डाल दूंगी जिमीकंद को और इसको मिक्स कर लूंगी अच्छे से। और इसी तरह लगभग 2 मिनट के लिए इसको दही के साथ ऐसे ही पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो देखिए 2 मिनट के बाद दिखाते हैं, दही और जिमीकंद अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें डाल लूंगी थोड़ा सा पानी, लगभग 1 गिलास के आसपास। और इसको इसी तरह पकने के लिए
छोड़ दूंगी लगभग 5 मिनट के लिए। तो देखिए 5 मिनट के बाद आपको दिखाते हैं, रेडी है जिमीकंद की खट्टी सब्जी, कितना बढ़िया बनकर रेडी हुआ है देखिए। तो अब मैं यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी, और मेरे यहाँ धनिया पत्ती खत्म हो गया इसलिए लास्ट में मैं धनिया पत्ती नहीं डाल रही हूँ। तो देखिए कितना यमी बनकर रेडी हुआ है।